अक्षरा सिंह ने कुछ दिनों पहले बड़ा ही धमाकेदार इंटरव्यू एक वेबसाइट को दिया था और उस वेबसाइट के जो इंटरव्यूज हैं उसके कुछ अंश हम आपको बताएंगे, क्योंकि भाई जो एलिगेंस अक्षरा सिंह ने लगाए थे उन्हीं एलिगेंस के आधार पर इस इंटरव्यू को लिया गया है और इसमें अक्षरा सिंह ने और भी बड़े खुलासे किए हैं। अक्षरा सिंह ने कहा है कि पवन सिंह पहले 1 BHK घर में रहते थे, उन्हें 5 BHK घर उन्होंने दिलवाया है। उनके घर में जो पर्दे हैं वो भी अक्षरा सिंह के पैसे के हैं। अक्षरा सिंह ने यहाँ कहा है कि अक्षरा सिंह जो भी स्टेज शो किया करती थी उसके पैसे भी पवन सिंह ही रखते थे जब तक वो पवन सिंह के साथ रिलेशन में थी पवन सिंह ने उन पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। जो खर्च किया उन्होंने खर्च किया पवन सिंह पर। वैसे भी अक्षरा सिंह के पैसे पवन सिंह पे बकाया है, न कि पवन सिंह के पैसे अक्षरा सिंह पर। पवन सिंह के पास तो कोई लाइफस्टाइल ही नहीं थी। अक्षरा सिंह के जाने के बाद उनकी लाइफस्टाइल आई। आपको बता दें यहाँ अक्षरा सिंह ने जब पवन सिंह को सपोर्ट किए जाने पर भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ बड़े दिग्गजों को भी लताड़ लगाई। उनका कहना है कि लड़की है तो कोई भी इसका साथ नहीं देता, हाँ पवन सिंह का आज नाम है तो सभी उनके साथ हैं। यहाँ एक और खबर आ रही है कि अक्षरा और पवन के बीच लोग सुलह कराना चाहते हैं, लेकिन अक्षरा सिंह है कि वो सुलह करना ही नहीं चाहती। वो पवन सिंह को बता देना चाहती हैं कि इस बार उनका पाला किससे पड़ा है। लेकिन इन सब सारी चीज़ों के बीच ये अच्छी खबर आ रही है कि अक्षरा सिंह जल्द ही अपनी अपकमिंग मूवी की शूटिंग करने जा रही हैं उत्तर प्रदेश। जी हाँ, जिसमें उनके कोस्टार रहेंगे रितेश पांडे और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मंजुल ठाकुर। इस फिल्म की स्टोरी अक्षरा सिंह को काफ़ी पसंद आई है, इसलिए वो इस फिल्म को करने जा रही हैं। और अक्षरा सिंह के फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि अक्षरा सिंह भोजपुरी की एक बड़ी फिल्म में नजर आएंगी।